जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा जनवरी 2023 में, तैयारी करने वालों को भी फ़ायदा मिलेगा। अब ये जो थंबनेल देखे होंगे उसके बाद में आपके अंदर एक इंटरेस्ट आया होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं फिलहाल में, उनको जनवरी 2023 में कौन सा बड़ा तोहफा देने वाली है सरकार। साथ ही साथ वो मेरे प्यारे साथी जो जल्द ही नौकरी के लगने वाले हैं उनको कैसे फ़ायदा होगा, और जो फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं जो आगे नौकरी के लगने वाले हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखो, हमारा सबसे मेन मोटिव क्या होता है, हम जॉब क्यों करते हैं, हम सरकारी नौकरी के क्यों लगते हैं, उसका सबसे मेन रीज़न क्या होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पैसा। ठीक है ना भाई, आप काम क्यों करते हो, आप रुपए के लिए काम करते हो, सैलरी के लिए हम काम करते हैं। इस दुनिया में कोई भी शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो रुपए के लिए काम नहीं करता होगा। हम कलेक्टर बनते हैं रुपए के लिए, कोई भी जॉब करते हैं एक्स वाई जेड, यदि हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या है, उसका सबसे बड़ा सबसे मेन उद्देश्य रुपए कमाना। और हमारे पास रुपए कब आएंगे, जब हमारी सैलरी आएगी। और मजा कब आएगा, जब सैलरी ज़्यादा आएगी। कम सैलरी आएगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, जब ज़्यादा सैलरी आएगी तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर यही तोहफा मिलने वाला है, जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। और जो लोग आगे बढ़ेंगे, जो लोग अभी फ़िलहाल में तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर वो सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब मैं समझाता हूँ, देखो सैलरी स्लिप किस तरीके से बनती है, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपका एक तो बेसिक पे होता है, ठीक है, जैसे 10,000 मान लिया मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए अलावा आपको DA मिलता है, DA साल में दो बार बढ़ता है, ध्यान रखना DA साल में दो बार बढ़ता है, एक जनवरी के आसपास बढ़ जाता है और एक जुलाई अगस्त के आसपास, मतलब साल में दो बार DA बढ़ता है, ये फिक्स रूल है। फिलहाल में 38% है DA। DA कितना बढ़ेगा ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ाती है DA, ठीक है। इसके अलावा आपको HRA मिलता है, इसके अलावा आपको TA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, इसके अलावा आपको DA ऑन TA मिलता है। ये कुछ अलाउंस हैं जिनसे आपकी ग्रोथ सैलरी बनती है। अब ये जितने ज़्यादा होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा सैलरी आएगी, बेसिक पे ज़्यादा होगा ज़्यादा सैलरी आएगी, DA ज़्यादा होगा ज़्यादा सैलरी आएगी, HRA ज़्यादा होगा ज़्यादा सैलरी आएगी, TA ज़्यादा होगा ज़्यादा सैलरी आएगी। अब देखो, ये सारा का सारा जो DA है वो भी बेसिक पे से निकलता है, HRA है वो भी बेसिक पे से निकलता है, DA ऑन TA है, ये TA और DA दोनों से मिलकर निकलता है, ये सीन होता है। अब फिलहाल में 38% DA है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि जनवरी 2023 में इस DA को बढ़ाकर 42% कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा, 42% कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो मेरे प्यारे साथियों, आपके बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, DA आपको बेसिक पे का तो मिल रहा है ना, तो बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो मेरे प्यारे साथी आगे नौकरी के लगेंगे, यदि DA नहीं बढ़ता तो उनको 38% DA मिलता जब वो नौकरी के लगते, अब जब वो नौकरी के लगेंगे तो उनको 42% DA मिलेगा, ठीक है ना, सैलरी बढ़कर मिलेगी। जब भी वो नौकरी के लगेंगे उनको सैलरी बढ़कर मिलेगी, पहले 38% DA था, फिलहाल में 38% DA और अब गवर्नमेंट इसको 42% करने का पूरा पूरा प्लान कर रही है। तो जब तक आप जॉब लगोगे ना तब तक तो पता नहीं DA हो सकता है, जैसे आप 2023 में लगो, दिसंबर तक लगोगे तब तक DA लगभग 46% तक पहुंच जाएगा, और यदि आप जुलाई से पहले लग जाते हो 2023 में नौकरी के, तो आपको DA 42% मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है मेरे सभी प्यारे साथियों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो या फिर आगे बनने वाले हैं, कि आगामी समय में DA को बढ़ाकर 42% किया जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।